श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं आज आपके लिए जया एकादशी के व्रत की कथा लेके आया हूँ। एक बार श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, आपने कृपा करके षटतिला एकादशी व्रत के बारे में बताया जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, अब मुझ पर इतनी कृपा करें कि आप माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो कैसे करनी होती है, कौन से देवता की पूजा करें, उसकी कथा और विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया एकादशी। ये एकादशी सारे पापों को हरने वाली होती है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली एकादशी है और मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी कथा बताता हूँ। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या की उत्पत्ति हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएं भी थी। दोनों में प्रेम होने के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं कर सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझा और गुस्सा कर दिया और इन दोनों को श्राप दे दिया क्रोधित होकर। ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में तुम पिशाच बन जाओ। ये श्राप दे दिया। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर दुख भोगने लगे। शारीरिक दुख से पैदा ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में घूमने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया कि हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई? नरक का कष्ट बड़ा ही दुख देने वाला है और पिशाच योनि भी बड़ा दुख देती है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई जो जया नाम से विख्यात तिथि थी, सब तिथियों में उत्तम है, वो आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग किया, पानी तक नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, एक फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे पीपल के पास बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात आई, उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया, उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। पुष्पवंती और माल्यवान दोनों अपने पहले के रूप में आ गए। उनके दिल में पुराने वाला स्नेह उमड़ आया। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए।
वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अरे तुम तो पिशाच बन गए थे, ऐसा कौन सा तुमने पुण्य किया कि तुम्हारा पिशाच तो दूर हो गया? मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारे पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और सारे यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी जया एकादशी के व्रत की कथा जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी एकादशी व्रत की कथाएं आप तक लाता रहूँगा। जय जय श्री राधे।